आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में मिलेंगे लुधियाना के विले मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर से और पाएंगे उनसे प्रेरणा। मिलेंगे सुंदरबन के रहने वाले एक ऐसे फलवंत लड़के के साथ जिसके जीवन में आया परमेश्वर की ओर से बदलाव। देखेंगे सीबीएन फाउंडेशन के कार्य सामूहिक विकास में, करेंगे आपके लिए प्रार्थना और सुनेंगे एक गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ हम ये विश्वास करते हैं कि आज के प्रोग्राम के द्वारा आप जानने पाएंगे कि आपके जीवन में फलवंतता कैसे आ सकती है। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे एक बहुत ही खास पर्सनालिटी के साथ और आप उनसे पाएंगे प्रेरणा। आज हम आपको ले चलेंगे लुधियाना के विली मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर से मिलने के लिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे परमेश्वर में होकर, परमेश्वर की प्रेरणा में होकर वो एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाए हैं। विले मेमोरियल स्कूल बहुत ही पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल है लुधियाना का और यहाँ के डायरेक्टर आपके साथ दिल से कुछ बात करना चाहते हैं। आइए करते हैं इस मुलाकात को अपने प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह के साथ और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसमें से प्रेरणा पाएंगे। मेरा नाम सुनील पिल्ले है, मैं लुधियाना में वाइली मेमोरियल हाई स्कूल में डायरेक्टर हूँ। लुधियाना का सबसे पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये वाइली मेमोरियल स्कूल, जो मेरी नानी ने शुरू किया था। मैं एक क्रिश्चियन परिवार में मेरा जन्म हुआ। जीसस को ऑन एन इंटीमेट लेवल मैं नहीं जानता था। शादी हुई 2011 में जीनिया से। जीनिया वॉज बॉर्न अगेन। मैं पहली बार एक कन्वेंशन पे इंग्लैंड में गया था। मैं बहुत सिनिकल था। मेरे को अभी भी याद है वो पास्टर बेनी हिन ने ये बात की थी कि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आके कुछ बदलाव करता है तो सात अलग अलग जगहों पे बदलाव होती है। मैंने वहाँ पे समझ लिया कि हाँ, जैसे वो पास्टर मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे हर एक दिल की ख्वाहिश, तकलीफ, माय होप्स, माय ड्रीम्स, माय एस्पिरेशंस, हर एक चीज़ को वो एड्रेस कर रहे हैं। बट एज माय बैकग्राउंड वाज नॉट इनटू दिस, वेरी क्विकली दिस फेल अक्रॉस बाय द वेसाइड। आई वाज फॉर्चुनेट दैट माय वाइफ इज बॉर्न अगेन एंड शी इज हैड अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द वे दैट माय क्रिश्चियन लाइफ, माय स्पिरिचुअल जर्नी, शी इज बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन। मेरी वाइफ सीनिया अक्सर प्रेज वर्शिप करती थी घर पे और गाने गाती थी पास्टर एंडर्स मल और पास्टर सुभाष गिल की, तो मैंने सिर्फ नाम सुना था। मैंने एक दिन पोस्टर देखा दीवार पे लगा हुआ कि एक 3 दिन का कन्वेंशन है जिसमें 1 दिन के लिए पास्टर सुभाष गिल आ रहे हैं। और फिर उस दिन शाम को मैंने मीटिंग अटेंड की और मेरा जो सब लोग कहते हैं पावर इम्पैक्ट, I had my power impact with the Holy Spirit. ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है that it takes a lot of hard work and effort to actually leave everything to God and then allow Him to direct your paths. Walking with God is not easy, but it's not difficult. Christ at the center of education. A means that I am responsible to Christ for the life of a child. छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास और हमने उनको तैयार करना है कि कल वो जिंदगी में अकेले खड़े हों तो लोग कहें कि ये अच्छा इंसान है, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट भी है लेकिन अच्छा इंसान है। तो वो तभी हो पाएगा अगर आज हम कुछ करते हैं। मैं वो एक बिल्डिंग तैयार कर रहा हूँ जिसकी नींव में डाल रहा हूँ। मैं अगर नींव को मजबूत करूँगा तो बिल्डिंग के ऊपर जितना मर्जी वो इंजीनियरिंग, MBBS, MBA सब कुछ बना सकता है। मैं अपने स्टाफ से भी ये कहता हूँ कि आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम किसी के मन में हम जिंदा रह सकते हैं।
that they may remember us 20, 30, 50, 50 years down the line. अभी हमने सुनील पिल्लई जी से की मुलाकात और जाना कि कैसे वो परमेश्वर से दूर थे, लेकिन आज वो परमेश्वर को जानकर दूसरों के लिए भी उन्नति का कारण बन रहे हैं। ये तो रही बात शहर की आबोहवा की, लेकिन अब हम आपको ले चलेंगे सुंदरबंस के जंगलों के इलाके में एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने के लिए जो सांपों और टाइगर्स के बीच में बड़ा हुआ। क्या इसके जीवन में फलवंतता आ सकती है? दोस्तों, पांत हल्दर का जीवन वो पिक्चर लाइफ ऑफ पाई जैसा है। बहुत मुश्किल परिस्थितियों और कमजोरियों में जीते हुए पार्थ ने अपनी जिंदगी में फल देखा। पार्थ की जिंदगी में फल कैसे आया, वो फलवंत जीवन कैसे जी पाया, आइए पार्थ की कहानी को हम देखते हैं। मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। यहां मैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, और इसके साथ साथ मैं उनके प्रैक्टिकल क्लासेस में मदद भी करता हूं। सुंदरबंस में डुलकी गांव में रंजीत और सुषमा हल्दार के घर जन्मे डॉक्टर पार्थ हल्दार का बचपन बहुत ही मुश्किलों में गुजरा। बहुत बार ऐसा होता है कि मशहूर बंगाल टाइगर नदी पार करके हमारे गांव में आ जाता था, और इसके अलावा हमारी समस्या जहरीले सांप भी थे जो हम पर हमला करते थे, क्योंकि हमारे यहां बिजली नहीं थी और हर जगह अंधेरा होता था। डुलकी गांव में जो स्कूल था वो केवल चौथी कक्षा तक था, इसलिए पार्थ को आगे की पढ़ाई के लिए किसी और गाँव में जाना पड़ता था। रंगा बलिया हाई स्कूल मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर था। हमें या तो पैदल या साइकिल से स्कूल जाना पड़ता था। उस समय क्योंकि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, हम पढ़ाई करने के लिए मिट्टी के तेल वाली लैंप का इस्तेमाल करते थे, जिसे हैरिकेन कहते थे। पार्थ 10वीं कक्षा में अव्वल आया। उसके टीचर से प्रेरित होकर पार्थ के माता पिता ने उसका एडमिशन मिदनापुर बनमाली चटा सिंह हाई स्कूल में करवा दिया, जो कि 300 किलोमीटर दूर है। पहली बार पार्थ अपने माता पिता और घर को छोड़कर कहीं जा रहा था। जब मेरी माँ और मेरे पिता मुझे स्कूल के हॉस्टल में छोड़ने के लिए आए, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बाइबल दी और बाइबल में से एक वचन दिया जो मत्ती 6:22 है, जहाँ लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हॉस्टल का जीवन पार्थ के लिए एक नया अनुभव था। थोड़े दिन बाद ही पार्थ तो बाइबल और उस वचन को भूल गया जो उसके पिता ने उसे दिया था। वहाँ मैंने आजादी का अनुभव किया। आजादी क्योंकि वहाँ मेरा मार्गदर्शन वाला कोई नहीं था। आजादी क्योंकि वहाँ मुझे निर्देश देने वाला कोई नहीं था। मैं ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताता था। मैं उनसे घुल मिल गया था। मैं उनके साथ सिगरेट भी पीने लगा। पार्थों का अपनी पढ़ाई की ओर से भी ध्यान भटक गया, और किसी न किसी तरह उसने अपनी 11वीं की परीक्षा दी। जब वो छुट्टियों में घर वापस आया तो उसे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो परमेश्वर की नज़र में सही है। मैं अपने पर बोझ महसूस कर रहा था। फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। 2 तीमुथियुस 2:22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। उसके बाद यह भी लिखा हुआ है कि यदि आप अपने पापों को मान लें, आपका पिता आपको क्षमा करेगा। मुझे इस तरह महसूस हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ ही बात कर रहा है। इस बात से मैं काफी प्रभावित हुआ। अपने दिल में इस बात को जानकर पार्थो ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और यीशु के आगे प्रार्थना की। वो बुधवार का दिन था, 21 मई 2002, जब मैंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया। जब मैंने खुद को परमेश्वर को सौंप दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे अपने पापों से आज़ादी का अनुभव महसूस हुआ। मैं अपने आप को आज़ाद महसूस करता था। जब पार्थो कॉलेज में वापस गया तो उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगा। मैंने अपने जीवन के लिए कुछ नए फैसले लिए। मैंने ये फैसला लिया कि मैं पूरी तरह से अपने जीवन के मार्ग को बदल दूंगा। पार्थो बहुत ही अच्छे नंबर लेकर पास हुआ, और उसे केमिस्ट्री में ऑनर्स करने के लिए स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में दाखिला मिल गया। नीति वचन 1:7 से बहुत ही उत्साहित किया, जिसमें लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मैंने इस वचन पर ध्यान किया
मैंने इसका अनुभव किया और परमेश्वर ने मुझे सहायता और शांति देनी शुरू कर दी। अपनी केमिस्ट्री ऑनर्स पूरी करने के बाद पार्थ को पोस्ट बीएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए नेशनल स्कॉलरशिप मिल गया और इस तरह से उसकी आगे की पढ़ाई की शानदार शुरुआत हुई। पार्थ को 2013 में केमिकल साइंस में अपनी डॉक्टरेट डिग्री के लिए इनाम भी मिला। हर एक बात में बाइबल में से दो व्यक्तियों जिनका नाम दानियल और यूसुफ है मेरी बहुत मदद की। मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर ने हर हालात में दानियल और यूसुफ की मदद की थी। परमेश्वर ने उनको दिन प्रतिदिन सम्मान दिलवाया था। मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु के मार्गदर्शन, उनकी शांति, उनकी दया, उनके ज्ञान और बुद्धि के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी हमने पार्थ हल्दर की इस कहानी को देखा और जाना कि कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड से उठाकर परमेश्वर ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज वो दूसरों के लिए उदाहरण का कारण बन गए हैं। समीर जी, परमेश्वर का वचन भी तो यही कहता है कि प्रभु ने हमें फलदायक होने के लिए बुलाया, फलवंत होने के लिए बुलाया है। और जब हम परमेश्वर के चुने हुए होते हैं तो परमेश्वर उस फलवंतता को हम में जाहिर करते हैं, बिकॉज दैट इज हिज प्रॉमिस। बिल्कुल, महत्व की बात ये नहीं कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, महत्व की बात यह है कि हम उस पर भरोसा करते हैं जो सामर्थ्यशाली है और जो कार्य करता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में फल लाता है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सच है जो आपको और हमें समझना है कि चाहे हम कमजोर हों या चाहे हमारे अंदर हुनर हो या ना हो, जब परमेश्वर अपना कार्य हमारे अंदर शुरू करता है तो वो उसे पूरा करता है। शास्त्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद अपने भाइयों में से सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और बोला, मेरा एक मकसद है तुम्हारी जिंदगी में और वो मकसद को मैं पूरा करूंगा। मूसा भी राजघराने में बड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा को चुना अपने मकसद को पूरा करने के लिए। हम देखते हैं शिष्यों को, यीशु के शिष्य, बहुत अनपढ़ लोग थे, वो मछुआरे थे, उनके अंदर कुछ बहुत ज्यादा हुनर नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें चुना ताकि मकसद पूरा हो। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए एक मकसद, एक योजना बनाकर रखा है। व्हाट इज सक्सेस? फलवंत होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, मुझे चुना है, हर एक को चुना है, वो मकसद पूरा होना फलवंत होना है। तो ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या पूरा करना चाहता है। किसी और के मकसद को पूरा करना सक्सेस नहीं है, सक्सेस ये है कि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी हो। आइए इस वचन को हम देखें। फिलिपियों 1:6, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये वचन हमें प्रोत्साहन दे रहा है कि जो कार्य परमेश्वर ने शुरू किया है, वो कार्य वो पूरा भी करेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा भरोसा उस पर हो जो हमारे बीच में कार्य कर रहा है। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। परमेश्वर तो अपना कार्य कर रहा है, सवाल यह उठता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? What does God need from us to make us fruitful? हमें फलवंत होने के लिए हमें क्या करना है? पहला ऑप्शन, God needs our strength। परमेश्वर को हमारी सामर्थ, हमारी क्षमता की जरूरत है। दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ उस पर भरोसा करें। तीसरा, God needs our money। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो धन है हम उसका उपयोग करें फलवंत होने के लिए। आप हमें बताइए सही उत्तर क्या है। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें ए, बी या सी, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और एसएमएस करें 0991040100। सही जवाब देने वालों के नाम हमारी वेबसाइट www.cbn.in पे दिखाई जाएंगे, तो जल्दी अपना जवाब आज ही भेजिए। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो जल्दी से आप हमें एसएमएस कीजिए। और अगर आज आपको सामर्थ की जरूरत है ताकि आप भी परमेश्वर के उन कामों को अपने जीवन में देख सकें और उनको पूरा होता हुआ देख सकें, और आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, तो हम आपके लिए दुआ करेंगे।
इसी समय आप इस नंबर पर हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रोग्राम में अब समय आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे CBN फाउंडेशन कर रहा है लोगों की मदद और ला रहा है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। इस बिजी लाइफ में हमारे और आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने लिए वक्त निकालना। कभी कभी इस दौरान हम अपने फेवरेट टीवी शो को भी मिस कर देते हैं। अगर आपने अपने फेवरेट टीवी शो एक नई जिंदगी को कभी मिस कर दिया हो तो आप उसे देख सकते हैं। CBN फाउंडेशन के YouTube चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने वक्त पर अपने फेवरेट शो का मजा लीजिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपका स्वागत करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे CBN फाउंडेशन कर रहा है लोगों की मदद और उनके जीवन को बदल रहा है। आइए देखते हैं इस पर एक प्रस्तुति अपने प्रोड्यूसर रोलेक ग्रेस के साथ। एक इंसान की बुनियादी जरूरतें क्या हो सकती हैं? सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान या रोजगार या आमदनी या फिर स्वास्थ्य, सेहत और मानसिक स्थिरता। और ऐसी ही जरूरतें बन जाती हैं समाज का हिस्सा। CBN फाउंडेशन ने अपने सामुदायिक विकास परियोजना के तहत ऐसे ही जरूरतमंद समुदायों के बीच में काम करने का फैसला किया है। हमारी इस परियोजना के तहत हर समुदाय में एक बाल विकास केंद्र है, जहां ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जा सके हैं या स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उन्हें शिक्षा का मौका दिया जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है। स्वयं सहायता समूह यानी SHG भी बनाया गया है, जहां महिलाओं के इन समूह को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा, महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। स्वच्छता, लोगों में स्वच्छता की कमी को ध्यान में रखकर वहां शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। CBN फाउंडेशन ने इनके संपूर्ण विकास के लिए कदम बढ़ा लिया है और हमें आपके सहयोग की भी सख्त जरूरत है, ताकि हम और आप मिलकर इन्हें बेहतर भविष्य दे सके। अभी हमने देखा कि कैसे CBN फाउंडेशन की मदद के साथ लोगों का जीवन बदल रहा है, उनके स्तर में तब्दीली आ रही है। समीर जी, कितना अच्छा लगता है ये जानकर कि हर लेवल का बंदा कुछ ना कुछ सीख रहा है। नहीं तो कई बार औरतें ये सोचती हैं कि अब बड़े हो गए हैं, अब बच्चों के पढ़ने का समय, हम क्यों पढ़ाई करें। लेकिन जब उनको इनकरेज किया जाता है CBN फाउंडेशन की तरफ से, तो वो पढ़ना लिखना सीखती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखती हैं। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है और हमें ये बताना है कि जब तक हम जिंदा हैं हम बढ़ सकते हैं, वी कैन ग्रो। जब तक हम जिंदा हैं परमेश्वर अपनी योजना हमारी ज़िंदगी में अब भी कर रहा है। हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और वी नीड टू जस्ट एनकरेज पीपल। इसलिए अच्छा लगता है कि CBN फाउंडेशन हर एक व्यक्ति को एनकरेज कर रहा है। जी बिल्कुल समीर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और दोस्तों, अगर आप भी दूसरों को एनकरेज करना चाहते हैं, एनकरेजमेंट लेकर आना चाहते हैं उनके जीवन में, तो आप हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पते को नोट कर सकते हैं और हमें इस पते पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, 122009। ऑनलाइन डोनेशन www.cbn.in। दोस्तों, हम आपको खास तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे इन कामों को सराहते हैं। और ऐसे ही कुछ आज मैसेजेस को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो मैसेज भेजा है अर्जुन ने, और वो कहते हैं कि उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। गवाहियों से वो बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं और जो सेवा दूसरों के लिए की जाती है उससे वो प्रेरणा भी पाते हैं। अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद उस एनकरेजमेंट के लिए। दूसरा मैसेज आया है संगीता का, और संगीता लिखती है कि एक नई जिंदगी में जो वचन बांटा जाता है उस वचन को सुनकर वो बहुत प्रभावित होती हैं, पूरे कार्यक्रम से वो बहुत प्रेरणा पाती हैं और वो धन्यवाद देती हैं। संगीता, थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। धन्यवाद आप सबका जो इस कार्यक्रम को लगातार देखते आए हैं। वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू एनकरेज अस रेगुलरली। आपका हम धन्यवाद देते हैं। और अगर आप इन कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं या हमारे साथ भागीदारी में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे न्यूज़लेटर को भी पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.cbn.in पर जाकर, और इसकी प्रति मंगवाने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।
दोस्तों अब समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपके प्रार्थना निवेदन को हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बोल होजाना गाओ होजाना, ये वचन है सुपर बोल। होजाना गाओ होजाना, ये वचन है सुपर बोल। प्रार्थना को मौका दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना, पर उससे पहले देखते हैं कि आपके प्रार्थना निवेदन हमें किन किन विषयों पर पहुंचे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अनूप मसीह जी का मैसेज, जो लिख रहे हैं दिल्ली से, और वह कहते हैं कि वो अपने कारोबार के लिए प्रार्थना चाहते हैं, क्योंकि पहले उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब थोड़े समय से ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। पर वो कहते हैं उनका विश्वास परमेश्वर पर है कि प्रभु उनके काम में बरकत देंगे, और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम अनूप के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। दूसरा मैसेज आया है नेहा अलवानी का, और वो कहती हैं कि उनके भीतर बच्चेदानी नहीं है और वो चाहती हैं कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक बड़ा कार्य उनके शरीर में करेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो या आप बीमार हो, असंभव परिस्थिति का सामना कर रहे हो, परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आकर एक बहुत अद्भुत कार्य कर सकता है। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके अंदर भी इच्छा है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा कार्य करे, तो विश्वास के साथ इस समय यीशु मसीह के पास आएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है, इसलिए हम तेरे पास आते हैं। अनूप के लिए मांगते हैं परमेश्वर तू आशीष लेकर आएगा। जो परिस्थिति का वो सामना कर रहे हैं, हम मांगते हैं कि उसे तू बदल दे ताकि वो देखे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम नेहा के लिए भी मांगते हैं परमेश्वर, आश्चर्य कर्म सिर्फ तेरी ओर से होते हैं। मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य पैदा नहीं कर सकता, लेकिन तू कर सकता। यू आर द गॉड हु क्रिएट्स एवरीथिंग। और हम मांगते हैं कि एक आश्चर्य कर्म प्रभु नेहा की जिंदगी में तू लेकर आएगा। जी प्रभु। हम मांगते हैं उन सब के लिए जो प्रभु मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और दे आर स्ट्रगलिंग। हम मांगते हैं कि वो तेरे पास आएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। विश्वास बढ़ा प्रभु हम सबका, कि हम तेरे पास आएं और विश्वास करें और प्रार्थना करें, और तू हर एक प्रार्थना का जवाब दे। यीशु मसीह हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर पे भरोसा करते रहिए। जी आप विश्वास करते रहें, प्रार्थना में बने रहें, और आइए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन भी हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आज कुछ सिखा रहा है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता अध्याय 32:8। उम्मीद करते हैं कि आप इस वचन के द्वारा आशा पाएंगे और नई सामर्थ को भी हासिल करेंगे। दोस्तों जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर चाहता है कि आज आप विश्वास करें। अगर विश्वास छोटा है तो परमेश्वर चाहता है कि आप इस विश्वास को बढ़ाएं, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। इसे यू ऑफ लिटिल फेथ हैव फेथ। और परमेश्वर कहता है कई लोग को जो चंगाई पाए, परमेश्वर उनको कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो व्हेन यू प्रे कम विथ फेथ, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें, ये जानते हुए कि जो परमेश्वर कहता है वो करता है। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम को आपने पसंद किया है और बहुत कुछ आपने इसमें से सीखा भी है। आज हमने मुलाकात की एक बहुत ही खास शख्स के साथ, और उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन की गवाही आपको छू कर गई होगी। साथ ही हमने देखा कि साधारण बैकग्राउंड से आने के बाद भी पार्थ जी ने अपने जीवन में परमेश्वर की ऊंचाइयों को हासिल किया। आपके जीवन में भी परमेश्वर की एक योजना है, एक योजना जिसे कोई रोक नहीं सकता, तो आप उस योजना के अंतर्गत आगे बढ़कर अपनी डेस्टिनी को परमेश्वर से हासिल कीजिए।
दोस्तों, हमारी चाहत है कि आप परमेश्वर के और करीब आए, परमेश्वर में मजबूत हों। कई बार जब हम सवाल पूछते हैं, जब उनके जवाब हमें मिलते हैं, तो हम परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। कल शुक्रवार है और कल हम आपके आत्मिक सवालों का जवाब देंगे और एक खास विषय पर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, तो कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हमारा जाने का समय आ गया है। आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया। जी बिल्कुल, और जाते जाते आपके लिए लेकर आए हैं इस मधुर गीत को, आप इसका आनंद लीजिए। परमेश्वर के साथ चलते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार दोस्तों। यीशु तू है पवित्र, पवित्र तेरा नाम, महिमा और स्तुति हम करेंगे हर बार। हाले हाले लुया, हाले हाले लुया, हाले हाले लुया। तू ही है सूरज की रोशनी, तू ही है हर पल मेरे साथ। तेरा प्यार हमने देखा वो क्रूस पर, तू ही है हमेशा से से मुक्ति देने वाला यीशु, हम जैसे पापी को तू माफ करता है। यीशु तू है पवित्र, पवित्र तेरा नाम, महिमा और स्तुति हम करेंगे हर बार। महिमा और स्तुति हम करेंगे हर बार, महिमा और स्तुति हम करेंगे हर बार।